नमस्कार, स्वागत है आपका INN 24 पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। महाराष्ट्र के उत्तर नागपुर पांच पावली में क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर बाइबल के विचारों को सामने रखकर एक प्रोग्राम लिया गया, जिसमें उत्तर नागपुर विधायक डॉक्टर मिलिन माने, फिल्म जगत से एक्टर संदेश गौर और किन्नर सर्व समाज समिति के अध्यक्ष किन्नर उत्तम बाबा व अनुराग उपस्थित रहे। किन्नर उत्तम बाबा ने अपने दिल के दर्द को सामने रखते हुए कहा कि आज LGBT कम्युनिटी को किन्नर, हिजड़ा, छक्का कहकर बुलाया जाता है, लेकिन अगर हम बाइबल और कुरान की बात करें तो बाइबल ने भी हमें एक अच्छा नाम दिया है। किन्नर उत्तम बाबा ने अपने विचारों को बाइबल के माध्यम से कैसे जनता के सामने रखा, आइए सुनते हैं। मसीह के आगे पीछे कोई नहीं है यीशु मसीह के सिवा, क्योंकि यीशु मसीह खोजियों के दिल में रहते हैं सबसे ज्यादा। मैंने बाइबल में भी पढ़ा है और फंद में भी पढ़ा है, कुरान में भी पढ़ा है। कुरान के अंदर में, जब कुरान 300 पारे के अंदर में भी पढ़ा हुआ है, उसके अंदर में भी लिखा हुआ है यीशु मसीह के बारे में कि वो भी खुदा की औलाद है। पैगंबर, वो जब पैगंबर हुए उनको भी पैगंबर करके कहा गया। तो जो हमारे यीशु मसीह है, जो हमारे पिता है, वो सबके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, सबके बारे में अच्छा ही विचार रखते हैं। तो आप भी अच्छा ही सोचिए, अच्छा विचार रखिए।